अहम खबर आपको दें, रावलपिंडी में गवाल मंडी पुल पे नाला लई में पानी की सतह अलर्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 8.5 फुट तक पहुंच चुकी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन इकरामुल्ला जोया, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इकरामुल्ला जोया, अब से कुछ देर पहले तक तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी जब शेख रशीद साहब ने यहाँ का दौरा किया था और उस वक्त ये बताया गया था कि अभी अलर्ट लेवल तक नहीं पहुँची है ये सतह, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अभी जो बारिश है वो जारी है। इस वक्त रावलपिंडी में हल्की हल्की बारिश जो है वो भी जारी है, इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इस वजह से अभी गवाल मंडी पुल पर जो है नाला ली की जो सिचुएशन है वो 8.5 फुट पे पानी पहुंच चुका है, जो एक अलर्ट लेवल है। इस वक्त जिले इंतजामिया से मेरी जब बात हुई है, DC रावलपिंडी जो है उनसे बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी अलर्ट लेवल जो है हमने वो जारी कर दिया है ताकि जो तमाम इदारे हैं वो अलर्ट रहें, किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए जो इदारों को है वो रेडी कर दिया गया है। 8.5 फुट पर जब 8 फुट से ऊपर जब नाला लई में पानी जाता है तो तमाम इदारों को जो है अलर्ट कर दिया जाता है। इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो पानी है वो इंक्रीज भी हो रहा है, इस वजह से जो है अभी और नाला लई में मौसमियात क्या कहता है इकरामुल्ला, ये बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बारिश का सिलसिला ये आज वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त जो है बारिश अभी हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी है और इस वक्त नाला लई में जो पानी है वो एक सलाबी शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त 8.5 फुट पे पानी जो है नाला लई का पहुंच चुका है। इस वक्त जिले इंतजामिया जो है तमाम इदारों को उसने अलर्ट कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर भी अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले विजिट किया उन्होंने, इसके अलावा शेख रशीद ने भी सुबह यहाँ पे विजिट किया था और तमाम इदारे जो है रेस्क्यू भी यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा ईदी की भी एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म की जो हालात है उससे निपटने के लिए बर वक्त जो है कार्रवाई की जा सके। जी तो इकरामुल्ला, कोई पेशगी इंतजाम अब तक किए गए हैं? खुदा ना खास्ता अगर ये पानी की सतह मजीद ऊपर आती है तो फिर क्या किया जाएगा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल, यही डिप्टी कमिश्नर जी का यही कहना है कि तमाम इदारे जो हैं वो अलर्ट हैं, रेस्क्यू को भी अलर्ट किया गया है, तमाम इदारे जो हैं जिले इंतजामिया भी इस हवाले से अलर्ट है, खुदा न खासा किसी भी ऐसी सिचुएशन को से निपटने के लिए तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त अलर्ट पोजीशन में हैं और खुदा न खासा किसी भी एमरजेंसी को जो है फेस करने के लिए तमाम लोग जो हैं वो अलर्ट हैं। ठीक है, इकरामुल्ला जोया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, नाला लई की क्या सूरत हाल थी उसके बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल पर DC रावलपिंडी का क्या कहना था, आइए अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। हो गया हमारा बेसिकली, जब 8 के ऊपर लेवल आता है तो हम प्री अलर्ट कर देते हैं डिपार्टमेंट्स को, लेकिन ये अभी जो पैसेज है ये आहिस्ता आहिस्ता अभी कम हो रहा है, वह समा वाली साइड से जब लेवल डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। बेसिकली पिंडी बारिश से ज़्यादा हमारा जो कैचमेंट एरिया वो इस्लामाबाद का पड़ता है, तो इस्लामाबाद की बारिश से इस लई के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन इस दफ़ा हमने काफ़ी सफाई सफाई की है तो ये इस वजह से आप देख रहे हैं आपके सामने ही है कि अभी स्मूथ इसका फ्लो है, तो इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा, कोई ऐसे अब वरी की बात नहीं।